अच्छा भी अच्छा भी 4.1 हो गई थी ना कंप्लीट। चलिए जी सर। 4.2 शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अभी इसमें टाइप्स होती हैं हमारे पास ना, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी इक्वेशंस की, जिनको हमने सॉल्व करना होता है। एक तो हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसको हम सिंपली सॉल्व करके उसका आंसर दे देते हैं। इसमें हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस आती हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप इक्वेशन आती हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है क्वाड्रेटिक में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइप वन में देखें, हमारे पास ये देखें, या बल्कि ऐसा कर लेते हैं, साथ साथ देख लेते हैं इसका क्वेश्चन और साथ ही टाइप देख लेते हैं। ये टाइप है फर्स्ट वन। फर्स्ट टाइप में हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा ना, जो मतलब जो बी एक्स होता है बेसिकली, इधर एन, जब इसका स्केयर करेंगे, इसको हमने सपोज कर लेना है वाई के बराबर, और इसका स्केयर करेंगे। स्केयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, स्केयर करने के बाद ये देखो एक्स एन इक्वल टू वाई, बहुत साइड स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्केयर एक्स एन का होल का स्केयर। तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, 2n बन जाएगा। तो इधर हमारे पास इसकी जगह हम रख देंगे वाई। तो अब ये देखते हैं इसका क्वेश्चन। जी हाफिज साहब, कौन सा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट? हाफिज साहब, शाजीब, यस सर, मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था जी। अच्छा, मैंने कहा वो मुझे बताना क्वेश्चन कौन कौन सा करना है इसका। सर एक मिनट, मैं ये खोलना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 1, 1, 4, 5, चले ठीक है, 1 से शुरू टेन, करते। इलेवन। अच्छा अभी ये देखो, इसमें उसने लिखा है एक्स की पावर, उधर बताया आपको एक्स की पावर अगर एन है तो उसको हमने वाई सपोज करना है, और जो एक्स की पावर 2 है ना, वो साइड स्केयर लेने के बाद वो स्केयर बन जाएगा। अब ये देखें, अब ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ रही है, बेसिकली एक्स की पावर एन और उसकी पावर का 2 मतलब स्केयर ले लिया उन्होंने। अब ये छोटी वाली पावर को हमने सपोज कर लिया वाई के बराबर एक्स स्केयर को, बोथ साइड जब इनका स्केयर लेंगे ये बन जाएगी एक्स की पावर 4 और इधर बन जाएगा वाई स्केयर। तो ये देखें, इसकी जगह हम पुट कर देंगे वाई स्केयर -6y+8। अब इसके पेयर्स बना लेने हैं, तीन तरह के हमारे पास हैं मेथड, फैक्टराइजेशन वगैरह, वो तीनों मेथड, तीनों में से कोई भी आप जो इजी लगता है। पेयर्स 4 और 2 सीधे सीधे पेयर्स बन रहे हैं, -2 और -4 -6। -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। तो इन दोनों में से फर्स्ट टू में से हमारे पास कॉमन आ गया वाई, वाई -2 आ गया, -4 नेक्स्ट टू में से कॉमन आ गया तो वाई -2 आ गया। तो वाई -2 हो गया हमारे पास एक, और एक आ गया वाई -4। तो आंसर क्या आ गया, वाई इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 4। अच्छा अभी इन क्वेश्चंस में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितनी इनकी पावर होगी ना, ये देखें जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होगी उतनी आंसर होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं 2, तो उसके 2 ही आंसर बनते हैं। इसकी पावर 4 है तो इसके पॉसिबल आंसर भी हैं जो हमारे पास आएंगे वो 4 ही होंगे। अब ये जो जवाब आए हैं ये बेसिकली आए हैं वाई के। अब इसको हमने पुट करना है इसमें, हमने तो जवाब देने हैं एक्स के, क्योंकि क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वेरिएबल में। तो ये जवाब तो है वाई के, अब इसमें पुट कर देने हमने। इसमें जब पुट करेंगे एक्स स्केयर इक्वल टू 4 पुट करेंगे, दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा +-2। फिर दूसरी दफ़ा इसमें दूसरा आंसर था इसका 2, जब 2 पुट करेंगे इसमें एक्स स्केयर इक्वल टू 2, बोथ साइड हम लेंगे इनका स्केयर रूट तो ये बन जाएगा +-√2। ये इसके 4 आंसर हमारे पास बन जाएंगे, ये टोटल हमारे पास इसके 4 आंसर हो गए पॉसिबल आंसर जो है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। ओके अब ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप, जिसमें हम मतलब उसकी पावर का जो छोटी पावर होती है उसको एज इट इज रख लेते हैं वाई के बराबर,
और दूसरे का हम स्केयर कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर सर। ओके, अब ये देखो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, वही छोटी पावर को हमने क्या रखना है, वाई के बराबर, जब हम पता है कि एक्स की पावर थ्री का, एक्स की पावर थ्री का जब हम स्केयर करते हैं बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्केयर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर सिक्स। अब ये तो बन गया, अब इधर से हमें ये भी अंदाजा हो गया इसके पॉसिबल आंसर कितने आएंगे, छः, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, छः। तो हमने क्या कर लिया, एक्स की ये देख ऐसे किया हमने, जो छोटी पावर है उसको हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया वाई के बराबर, तो जब बोथ साइड स्केयर किया तो वो बन गया एक्स की पावर सिक्स और वाई स्केयर, तो अब इधर बन जाएगा एट वाई स्केयर माइनस, इसको हमने वाई सपोज किया हुआ, ये वाली टर्म बन गई। अब फिर वही तीन मेथड आ गए आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास है तीन मेथड, आठ और ये सत्ताईस, उन्नीस बन गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पेयर्स बना लो, पेयर्स नहीं बनते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, वो तो सबको सोल्व कर देते हैं। सर अगर हम नाइन एक्स क्यूब को अगर हम वाई स्क्वायर वाई पुट कर लें और एक्स सिक्स को वाई स्क्वायर पुट कर लें तो फिर भी ठीक हो जाएगा? हाँ ना, वही तो बताया मैंने, ये देखो ये भी बताया मैंने, ठीक है सर। एक्स क्यूब ये देखो ना, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, उसके बाद एक्स क्यूब का बोथ साइड जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, इधर क्या बन गया एक्स सिक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये ना भी पुट करो, ये वाला स्टेप ऐसे ना भी करो, ये वाला विषय सर। वैसे अगर इस तरह भी हो सकता है, ये अजय लिखा हुआ है जिस तरह x6 माइनस 9x क्यूब, हाँ ऐसे भी कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें पेयर्स बन गए, पेयर्स बनने के बाद हमारे पास हमने y के दो पॉसिबल आंसर निकाल लिए, जब y के दो पॉसिबल आंसर आ गए, अब इधर आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि ये y के आंसर आए हैं, ठीक है ना, ये y के आंसर है। अब हमने आंसर फाइंड आउट किसका करना है, आंसर फाइंड आउट करना है हमने x का। अब स्टार्टिंग में हमने किसके में पुट किया था इसको, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो नेक्स्ट इसमें हम एक्स क्यूब वाली में पुट करेंगे y के आंसर दोनों बारी बारी, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास देखते हैं, हमारे पास दो आंसर आए हैं इसके, एक आया आंसर माइनस वन और दूसरा आंसर आया हमारे पास 27/8। तो इधर से हम पुट करके देखते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई था, वाई का आंसर क्या आया माइनस वन पुट कर लिया, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस वन, तो हमारे पास ये बन गया एक्स का क्यूब और ए का क्यूब, तो इसका फार्मूला ये वाला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है, इधर माइनस है इधर माइनस आ गया, इधर प्लस हो जाएगा अगली वाली टर्म, ये वाला फार्मूला हम एक्सपेंड कर देंगे। फॉर्मूला जब एक्सपेंड करेंगे तो तब हमारे पास टर्म दो आंसर हमारे पास जो निकालने पड़ेंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद। अब ये देखिए दूसरी तरफ उसने 27/ वो था हमारे पास, वो भी उसने वहीं पुट कर दिया, 8x³ - 27, और ये किसका बनता है हमारे पास, बेसिकली ये ऐसे था ना, ये था क्वेश्चन एक्स क्यूब इक्वल टू 27/8, 8 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और इधर से 27 रह गया, 27 फिर इधर आके क्या हो गया माइनस, ये बन गया 2x³ - 3³। अब पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब इस पे फार्मूला लगाते हैं एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये वाला फार्मूला एक्सपेंड करना, तो ये आ गया एक्स प्लस 1 पहले का स्क्वेयर माइनस दोनों का प्रोडक्ट दूसरे का स्क्वेयर, इधर से ये वाला आंसर तो आ गया हमारे पास माइनस वन। अब इनका आंसर ना तो पेयर बनते हैं ना इसका और सॉल्यूशन होता है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास अवेलेबल था, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह सेम जब इसमें ये वाला आ गया एक्स क्यू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो इसमें हमने ये फार्मूला लगाना है ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब ये देखें ए माइनस बी, ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास 3 है, और ए का स्केयर किया जब 2x का स्केयर आ गया 4x² प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6x + 9, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।
तो इधर से पहले वाले का आंसर तो हम 0 के बराबर रख के आंसर निकाल सकते हैं, दूसरे वाले का आंसर हमारे पास फिर नहीं निकलता, उस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है सर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये था 2/5 है ना, एक्स की पावर 2/5 प्लस 8 इक्वल टू 6। अब इसमें पावर आ जाएगी हमारे पास, ये देखो ओवर वाली फॉर्म में, जिसमें पावर आती है ओवर वाली फॉर्म में। अब देखो इधर पावर कितनी है, एक्स की पावर 1/5 है, एक्स की पावर 1/5 इक्वल टू वाई, अगर दोनों तरफ स्केयर लेते हैं इनका तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 y² पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, तरतीब से लिख लिया, पहले ये वाली टर्म आ गई, फिर माइनस ये वाली टर्म, प्लस 8 ये वाला आ गया, फिर एक्स की पावर 1/5 इक्वल टू वाई, और ये हमारे पास आ गया y² 6y। अब पेयर्स बनते हैं 2 और 4, ये पिछले सवाल में भी यही था, 2 और 4 इसके पेयर्स बन गए। वो पेयर्स बनने के बाद हमारे पास वाई के आंसर, पॉसिबल आंसर आ गए। वाई के पॉसिबल आंसर हमारे पास कौन कौन से आ गए, वाई के आंसर हमारे पास आ गया 2 और 4। अब 2 और 4 किस में पुट करना है, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इसको पुट किया है वाई के बराबर। अब ये देखो एक्स की पावर 1/5 इक्वल टू 2, दोनों तरफ इसकी फिफ्थ रूट लेने से, जैसे क्यूब रूट कहते हैं, फोर्थ रूट कहते हैं, इसी तरह फिफ्थ रूट लेने से, इधर से 5 और 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5 32 होता है, इसी तरह इधर भी। सर स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझाएं, समझ नहीं लगी स्टार्टिंग से जरा। ओके, ये देखो एक्स की पावर 1/5 था, इसमें इसको इक्वल रख लिया वाई के बराबर, एक्स की पावर दोनों तरफ स्केयर किया जब, तो ये देखो 1/5 की पावर 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, पावर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगी, एक्स की पावर 2/5 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये था हमारे पास एक्स की पावर, इधर था एक्स की पावर 2/5 माइनस 6 की पावर 1/2 प्लस 8, इसकी जगह हमने पुट कर दिया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर इसके पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास वाई के आंसर आ गए। अब ये वाई के आंसर किस में पुट करने हैं, जहाँ पे स्टार्ट पे हमने ये पुट किया हुआ है इसको वाई के बराबर, तो दोनों तरफ इसका क्यूब फिफ्थ रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 32। और इसमें भी हम जब हम वाई पुट करेंगे 4 के बराबर, जब इसमें पुट करेंगे तो एक्स की पावर 1/5 इक्वल टू 4, तो बोथ साइड फिफ्थ रूट लेने से 5 5 कैंसिल, 4 की पावर हमारे पास 5 क्या बन जाएगी, 1024, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर हो गया, जी हाफिज साहब नेक्स्ट। सर अगला क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन है ना बेसिकली आप लोगों ने किए होंगे मैट्रिक में, मैट्रिक लेवल में आपका, हाँ पहला चैप्टर था इसलिए मैं। क्वेश्चन नंबर 10 सर। क्वेश्चन नंबर 10। यस सर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली हमने देखना होता है कि इनको मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना होता है, ये 4 है बेसिकली, एक्स की पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो इसके पॉसिबल आउटकम जो आंसर निकलने हैं वो 4 बनने हैं। अब इसमें हमने करना क्या होता है, बेसिकली हमने देखना होता है कि दो ऐसे को मल्टीप्लाई करें कि कम से कम उनके फर्स्ट 2 जो नंबर्स है ना वो सेम आ जाए, ये वाले 2 नंबर जो है ना वो सेम आ जाए, तो वो हमने ट्राई करनी होती है, वो कैसे निकालते हैं वो ये देखो। इसमें हमने देखा कि 1 है और इधर हमारे पास लास्ट में हमारे पास आ रहा है 3, 1 और 3 हमारे पास कितना बन जाएगा 4, और जब दूसरों को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास, हमने पहले दूसरे को मल्टीप्लाई किया आपस में इक्वल नहीं आए, अगले दोनों को मल्टीप्लाई किया वो दोनों के फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने इधर देखा कि जो सिंपल है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया
और जो हमारे पास जिनके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब दरमियान वालों को आपस में और लास्ट सेकंड वालों को आपस में। तो इधर हमारे पास जब मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को जमा करके साथ एक्स लगा लो और इन दोनों को एट द एंड मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर 1 और 3 4, 4x+1 3 = 3। और इसका हमारे पास ये सिंपल जिसमें हमारे पास 1 होता है ना दोनों की तरफ x के साथ, वो वाले मेथड में ये अप्लाई कर सकते हैं हम। 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x2, 2x को 5 के साथ 10x, 3 2 = 6x, 3 5 = 15, ये बन गया हमारे पास ये वाली टर्म। अब ये देखें इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये वाली टर्म जस्ट देखनी है, पहली टू टर्म्स हमारे पास x² + 4x = y रख लिया, लेट कर लिया हमने स्टार्टिंग में। जब इसको y रख लिया तो देखो इधर पुट करेंगे y+3 और इधर क्या बन जाएगा 4y+15, क्योंकि इसकी जगह पुट करना है हमने। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तीन मेथड है, तीनों में से जो भी मेथड हमें इजी लगा वो उस मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो एंड पे आंसर आएगा उसको हमने ये जहां पुट किया हो x² + 4x, ये आ गया y+3, 4y+15 जहां तक मैंने अभी लिखा था। इसको पुट करने के बाद, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। इसने पेयर्स बना लिए हैं, क्योंकि इनके पेयर्स बनाना थोड़ा सा टफ होता है, लेंथी पेयर्स होते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता लग जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से मतलब आप पेयर बना सकते हैं कि इसके पता लग जाता है, इसका जब डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं ना आपको पता लग जाता है कि इसके पेयर्स बनते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ना आए तो इसका मतलब वो नहीं बनते हमारे पास। तो इधर से अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इधर से इसने पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास दो आंसर आ गए, y = 12 एंड y = -75। अभी क्वेश्चन यहाँ तक नहीं खत्म होना, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। इसमें नेक्स्ट फर्दर जहाँ ये पुट किया है ना x² + 4x, क्योंकि इसके चार आंसर आने हैं, आपको बताया था y का आंसर अब आया इधर 12, तो ये 12 पुट कर दिया y 4x - 12। इसके अब देखो पेयर्स बनते हैं, अगर तो पेयर्स बनते हैं ठीक है, नहीं पेयर बनते वैसे 6 और 2 बन रहे हैं पेयर, ये बन जाएगा x² + 6x - 2x - 12। फर्स्ट टू में से एक्स कॉमन आ गया x+6, -2 कॉमन आ गया x+6, तो x-2 एंड x+6। अब इधर से x = 2 आ जाएगा और x = -6। अभी ये दो आंसर आए हैं, अब यही इसमें हमने पुट करना है, दूसरा नंबर कौन सा, -75/4। जब ये पुट करेंगे 4 को दूसरी तरफ जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को हम दूसरी तरफ जाके जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई हो गया 4 दोनों के साथ, -75 -75। अब इसके पेयर्स नहीं बन रहे होंगे तो उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद इसके हम भी हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे, दो दो आंसर पहले थे, दो आंसर ये, तो टोटल हमारे पास 4 आंसर होंगे, क्योंकि ये देखो ना ये उल्टा आ गया ना, इसके पेयर्स नहीं बन रहे थे, तो टोटल 4 आंसर हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें पहले एक दफा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, फिर आपने लगाना है 3 दफा, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन से? 11। नेक्स्ट है 11। 11। अच्छा अभी नेक्स्ट आ गया हमारे पास 11। अब ये देखो x² अब इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, टोटल कितनी पावर्स होगी, 4। चार होगी। अब ये 4 पावर्स को हमने देखना है, इसका मतलब इसके पॉसिबल आंसर हमारे पास बनने हैं 4 ही।
अब इसको हमने फॉर्मूले के जरिए एक्सपेंड कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर, तो ये बन गया एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। अब उसी तरह फिर रीअरेंज करके हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने देखना है कि फर्स्ट वाली टर्म्स जो है ना, फर्स्ट टू टर्म्स, इसके बाद बनेगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 21, और इसका भी बन गया टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 51, ओ सॉरी 15। अब ये देखो टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इसको वाई के बराबर पुट करेंगे, वाई माइनस 21 एंड वाई माइनस 15 इक्वल टू 91, इसका बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 21 और माइनस 15 माइनस 36 माइनस 36 एक्स, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जो भी आंसर आएगा प्लस 36 वाई, 36 वाई, सॉरी 36 वाई, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से ये आंसर माइनस कर देंगे। ये बन जाएगी नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड लगा के, तीन मेथड है हमारे पास, तीनों मेथड्स में से हम कोई भी एक मेथड लगाएंगे। मेथड लगाने के बाद हम देखते हैं ये आ गया, ये टर्म्स आ गई, उन टर्म्स में से फर्स्ट यहाँ तक हमने कर लिया था, ये मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 36 और 224 आ गया, 224 नहीं 315, 315 में से ये 91 हमने माइनस किया तो 224 आ गया। अब इसके उसने पेयर्स बना लिए, पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास वाई के दो आंसर आ गए, वाई इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 28। ये आंसर आने के बाद अब उसको फिर उसी तरह वही क्वेश्चन में फुट करना है दोबारा, फिर टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स जहाँ हम लेट किया हुआ था वाई इक्वल टू 8 पुट कर दिया। 8 पुट करने के बाद अगर पेयर बनते हैं ठीक है, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें भी उसी तरह वाई इक्वल टू 28 है, 28 पुट करने के बाद अगर देखते हैं कि पेयर बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसमें पेयर बन गए 7 और 8, तो टोटल पॉसिबल आंसर इसके भी हमारे पास कितने बनेंगे, 4। इसके अलावा है कोई क्वेश्चन हाफिज साहब? सर 14 है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं, आया काम ही है इसमें से बाज का तो, लेकिन उसका पता कोई नहीं होता। जैसे वो 4.1 में से आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो भी दे देता है, हालांकि कभी उसमें से आया नहीं है तो, लेकिन उसमें से भी दे देता है वो वाला क्वेश्चन नंबर 8 4.1 का। अच्छा अभी ये देखना है हमने, ये 2 की पावर x है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, जब कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल आ जाए, a की पावर x आ जाए, a कांस्टेंट बिहेव करता है, x वेरिएबल होता है। अब 2 कांस्टेंट है, 2 की पावर x आ गई। अब इसमें से देखें सबसे पहले तो हमारे पास, हमें अगर ये मिल जाता है 2 की पावर x है तो इनका स्क्वेयर करेंगे तो 2x बनना चाहिए, तो हमें नजर तो आ रहा है इधर 2x, लेकिन फालतू उसके साथ ये 1 फालतू आ रहा है। तो आपको पता है जब इनके दरमियान प्लस होता है तो इनकी पावर सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं हम, तो ये 2 की पावर 1 2 बन गया, 2 4 8 बन जाएगा, तो ये बन गया x, ये बन गया जाएगा ऐसे x 8 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 की पावर x इक्वल टू y, और जब इनका स्केयर करेंगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा 2x और y स्केयर, तो ये क्या बन गया हमारे पास 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर सीधे सीधे ही बन गया हमारे पास, पेयर कौन कौन से बन जाएंगे 8 और 9 खुद ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 8y स्केयर माइनस 8y माइनस y
इक्वल माइनस वन इक्वल टू जीरो सॉरी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट टू में से एट वाई कॉमन आ रहे हैं तो वाई माइनस वन रह गया, अगले में से वन कॉमन माइनस वन कॉमन आ रहा है तो वाई माइनस वन आ जाएगा, तो दो आंसर बन गए वाई माइनस वन एंड एट वाई माइनस वन, तो वाई का जवाब बन गया वन और वन बाय एट। अब ये आंसर हमने किस में पुट करनी है, इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में। जब इस स्टेटमेंट में हम पुट करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट कौन सा आता है इसका। टू की पावर एक्स और इधर वन, हम इसको लिख सकते हैं टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो हमारे पास होता है वन के बराबर, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स हम इक्वेट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, एक आंसर आ गया। इसी तरह जब हमारे पास हम दूसरा देखते हैं टू की पावर एक्स इक्वल टू वन ओवर एट, तो इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर एक्स ये बन जाएगा टू की पावर थ्री और टू की पावर एक्स ये बन जाएगा टू की पावर माइनस थ्री, पावर बेस फिर सेम पावर इक्वेट कर लेंगे एक्स का इक्वल माइनस थ्री, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज में से आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 17 क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम एज इट इज वही पोर्शन है, सेम उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है इसको भी। अब ये देखें आपको बोला था 3x है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए 3 की पावर 2x, 2x तो है लेकिन साथ क्या आ रहा है माइनस वन, तो पावर्स हम अलग अलग कर सकते हैं, वो 3 की पावर माइनस वन है तो वो नीचे जाके प्लस होगी, तो 3 से थ्रू आउट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 3 और आ जाएगा, 12 तीन बार 36 वो ये लिख दिया, और 3 को जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 343 बन जाएगा। अब उसी तरह वही सेम पैटर्न वही आ गया, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है इसका? 18 है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें ये हमारे पास सिंपल है x प्लस वन ओवर x, इसको हमने y के बराबर पुट कर लिया, तो जब इनका स्केयर करेंगे स्केयर में हमारे पास क्या होगा x प्लस वन ओवर x होल का स्केयर इक्वल टू y स्केयर, इसकी जगह क्या आ गया y स्केयर, इसकी जगह क्या बन गया y, y स्केयर माइनस थ्री वाई माइनस फोर, पेयर्स वाई और माइनस फोर वाई पेयर्स बन गए, वाई के आंसर हमारे पास आ गए वाई इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू फोर, तो ये किस में पुट करना है, इसी में पुट करना है, इसमें पुट करेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू माइनस वन, अब एक्स नीचे आ रहा है एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, फिर इसी तरह एक पेयर आंसर ये था दूसरा आंसर इसका चार है वो फिर इसमें चार पुट करेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू फोर, फोर एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इधर से फिर वही पोर्शन हमारे पास बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब जस्ट हमने इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा एक्सरसाइज 3A 4.1 वाला, ये हमारे पास आ गया है, ये देखें वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया वो क्वेश्चंस बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गई है दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट है 22
यार मैथ के सिर्फ 9 बच्चे हैं, पहले नहीं तो आज ज्यादा कम होते थे। हुए, हाँ आज कम हुए। सही। अच्छा अभी इसमें नेक्स्ट हमारे पास है, ये होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन हम बेसिकली होती क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम एक्स को रिप्लेस करते हैं, अगर एक्स को रिप्लेस करते हैं 1/x तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब वही इक्वेशन सेम एज इट इज वही इक्वेशन आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। व्हेन एक्स रिप्लेसेस बाय 1/x देन देयर इज नो चेंज इन दैट इक्वेशन। अगर आपको इसकी सेंस होती है ना, मतलब इसकी मतलब हाउ नाउ है इसका इक्वेशन के बारे में, तो जस्ट आप अपनी जुबान में भी लिखोगे तो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट ठीक करेगा वो अगला बंदा। अब हमने इसमें क्या करना है, ये वाले इस मेथड में रेसिप्रोकल इक्वेशन वाली में हमने ये करना होता है कि जितनी भी ये टर्म्स आती हैं उन सारी टर्म्स को हमने एक्स स्क्वायर के साथ ही डिवाइड करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, ये बन गया 2x², ये बन गया 3x, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 4 रह गया, एक एक्स नीचे आ रह जाएगा, 2x² आ जाएगा नीचे, और दूसरी तरफ हमारे पास वैसे 0 है। अब x² वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, x² इसमें भी आ रहा है, x² इसमें भी आ रहा है, करीब करीब ले आए, फिर x वाली टर्म्स 1, 2, 3x - 3/x, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। अब फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ गया, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आ गया। अब देखें ये टर्म रहेगी और ये टर्म्स रहेगी, अब x - 1/x = y, बोथ साइड जब स्केयर करेंगे तो x - 1/x, पहले सवाल में हमने यही किया x - 1/x, बस इतना सा किया था, लेकिन इसमें नेक्स्ट भी करना पड़ेगा जब इसका, क्योंकि इधर स्केयर है x², उधर सिंपल था x + 1/x और इधर था x + 1/x, इधर x - 1/x, जब इनका स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा x² + y - 2 = y², तो हमें किसका आंसर चाहिए, हमें चाहिए x² + 1/x² का, तो इधर से y² और -2 है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +2, तो इसकी जगह अब हमने पूरे के पूरी जगह हमने क्या पुट करना है, 2 × y² + 2 + 3 × y - 4। अब ये देखें जब हमने उसमें पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली पुट करने के बाद -4 - 4 + 4 कैंसिल हो गया, ये अब पेयर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल दोनों में से y कॉमन आ गया, ये रह गया 2y + 3, y = 0 एंड y 2y + 3 = 0, इधर से ये आंसर आ गया, दूसरा आंसर आ गया। अब इधर से हमारे पास जब हम रखेंगे जहाँ पे हमने क्वेश्चन पुट की है वाई, उसके बराबर हम यही वाले आंसर रखेंगे, आंसर रखने के बाद हम रिक्वायर्ड रिजल्ट उसका फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमने क्या किया है, नेक्स्ट एक आंसर आया था 0, वाई की जगह 0 पुट किया, एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, x² - 1, इधर से बन गया a² - b², तो एक्स के 2 आंसर आ गए +-1, इधर से हमारे पास -3/2 है, 2x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें 2x के साथ, जब 2x के साथ मल्टीप्लाई किया है 2x² बन गया, 2 इधर नहीं है तो इधर 2 आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ 2 है, इसके साथ x नहीं है तो x इधर आ जाएगा। रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने के बाद उसके पेयर्स बनाए तो एट द एंड हमारे पास आ गया 2x - 1 x + 1, तो इधर से आंसर बन जाएगा x = 2 - 2 एंड x = 1/2,
एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा और चौथा, चार आंसर हमारे पास बन, और पावर भी 20 की कितनी थी हमारे पास, चार ही थी। क्लियर हो गया? हाफिज आप कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता? सर 24 रहता है 24 रहता है। चलें एक मिनट रह गया सर, अब। एक मिनट रह गया, कल करेंगे हाँ कल इंशाल्लाह। करेंगे। सर इतनी स्पीड वैसे, सर वो भी करवाते हैं, वो भी आसान ही है। सर रेडबुल पी के आया सर, रेड बुल रोज पी ने कहते हैं, वो ये था ना सर रोज पी कि, कहते हैं। हाँ वो बेसिकली ये